हेलो फ्रेंड, डिजिटल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। अगर फ्रेंड आप ऑनलाइन के माध्यम से आधार कार्ड में डेमोग्राफी अपडेट करना चाहते हो, जैसे कि आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सभी चीज़ अगर आप चेंज करना चाहते हो या फिर अपने आधार कार्ड को दूसरा किसी डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करना चाहते हो, जैसे कि आपका पैन कार्ड हो गया, आपका राशन कार्ड और आपका वोटर आईडी कार्ड, इन सभी कार्ड के साथ अपना आधार कार्ड को लिंक करने के लिए या फिर ऑनलाइन के माध्यम से आधार कार्ड में डेमोग्राफी अपडेट करने के लिए आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में जानेंगे किस तरीके से आप अपने आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर को लिंक कर सकते हो, क्या इसका पूरा प्रोसेस रहेगा, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर को लिंक करने के लिए फर्स्ट आपको आपके मोबाइल या कंप्यूटर में से क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है या फिर मोजिला फायरफॉक्स को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको गूगल सर्च बार में लिख देना है ask.udi.gov.in। ये लिख कर एंटर कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, रेसिडेंट टाइप के जगह पे एक मोबाइल नंबर और दूसरा ईमेल आईडी। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको आपका एक वैलिड एक्टिव मोबाइल नंबर को फिल कर देना है। उसके बाद सेम टू सेम आपको नीचे एक बॉक्स देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो कैप्चर होगा उस कैप्चर को आपको नीचे बॉक्स में फिल करके सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट का ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को आपको इधर फिल करके सबमिट ओटीपी एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तब आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऊपर दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एक में न्यू इनरोलमेंट और दूसरा में अपडेट अदर लिखा हुआ आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए अपडेट अदर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तब आपके सामने एक और नया पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको ऊपर वेरिफिकेशन टाइप के जगह पे आपको डॉक्यूमेंट बेस्ड अपडेट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे एंटर डिटेल्स एज पर अदर वाले ऑप्शन पे आपका आधार कार्ड में जो नाम दिया हुआ है उस नाम को यहाँ पर फिल कर देना है और दूसरी साइड के बॉक्स पे आपको आपका आधार नंबर को लिख देना है। रेसिडेंट टाइप के जगह पे आपको इंडियन रेसिडेंट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट रखना है। उसके बाद आप जिसे चेंज करना चाहते हो या अपडेट करना चाहते हो यहाँ से आपको नीचे उसे सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि मैं अपना मोबाइल नंबर को चेंज करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है उसे चेंज करने के लिए या फिर नए मोबाइल नंबर को लिंक करवाने के लिए आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके नीचे प्रोसीड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। तब आपके सामने यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगा, इसे आपको ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे अपडेट मोबाइल नंबर वाला एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा नए तरीके से। यहाँ पर अगर आप जो नंबर लॉगिन के टाइम पे दिया था वो नंबर यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। अगर आप अपने आधार कार्ड के साथ उसी नंबर को आगे ले जाना चाहते हो यानी लिंक करना चाहते हो तो सिंपली आपको नीचे सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, या फिर आप इस नंबर को चेंज करना चाहते हो तब आपको एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उस नंबर को चेंज करना है। तो मैं सिंपली उसी नंबर को रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपको डिस्क्लोजर अंडर सेक्शन 3 के साइड पे यहाँ पर आपको एक टिक बॉक्स दिखाई देगा। इस वाले टिक बॉक्स पे आपको टिक करके नीचे सबमिट वाला ऑप्शन के ऊपर सबमिट कर देना है। तब आपके सामने योर एप्लीकेंट हैज़ बीन क्रिएट इस तरीके का एक मैसेज शो हो जाएगा। आप चाहो तो इसे डाउनलोड रिसीव कॉपी के जगह क्लिक करके इसे आप रिसीव कॉपी को डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको आपका जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा यहाँ पर आपको सिंपली बुक अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पर चला आना है। बुक अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर चले आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाएगा। इस वाले पेज पे आ जाने के बाद यहाँ पर आपको सेंटर सर्च करना होता है। यहाँ पर आपको ऊपर सर्च बाय सेंटर नेम, उसके बाद उसके नीचे आपको सर्च बाय पिन कोड और उसके नीचे आपको सर्च बाय एरा, इन तीन तरीके का ऑप्शन मिल जाता है आधार सेवा केंद्र सर्च करने के लिए। सो आपके लिए यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि सर्च बाय पिन कोड वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपको आपका एरा का पिन कोड दे देना है। उसके बाद जितने भी सारे आपके एरा में आधार सेवा केंद्र रहेगा सभी यहाँ पर आपको यहाँ पर शो होता हुआ दिख जाएगा।
जैसे कि मेरे एरिया में अभी दो ही सिर्फ आधार सेवा केंद्र है जिसमें अभी स्लॉट अवेलेबल है। जैसे कि स्लॉट अवेलेबल के जगह पे आप देख सकते हो, एक में आपको 106 और दूसरे में 74 सिर्फ स्लॉट अवेलेबल दिख रहा है। तो फ्रेंड ऐसे ही आपको उसके बाद आपको वहाँ पर प्रोसीड कर देने के बाद यहाँ पर आपके सामने कैलेंडर शो हो जाता है। यहाँ पर आपको जिस डेट पर आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक करने के लिए जाना चाहते हो, सिंपली आपको उस डेट को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको नोट करना है कि यहाँ पर आपको जो रेड कलर में दिख रहा है उस डेट में बुकिंग हो जाता है, इस कारण से वहाँ पर रेड होता है। आप उस डेट पे नहीं स्लॉट बुक कर सकते हो, सिर्फ जहाँ पर आपको ब्लू दिखाई दे रहा है सिर्फ आप उसी डेट में ही अपना आधार कार्ड के लिए स्लॉट बुक कर सकते हो। तो आपको फर्स्ट डेट सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आप जिस टाइम पे आधार सेवा केंद्र जाके अपने आधार कार्ड में अपडेट करना चाहोगे आपको उस टाइम को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको नीचे सबमिट कर देना है। सबमिट कर देने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक इस तरीके का पेज आ जाता है। यहाँ पर आपको कंफर्म योर बुकिंग वाला एक ऑप्शन आ जाता है। कंफर्म वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देने पर ही आपका बुकिंग कंफर्म हो जाता है। यहाँ पर उसके बाद आप जिस डेट को सिलेक्ट किया था उस डेट पे आपको ए वाला रिसिप्ट कॉपी को ले जाना होता है, जो कंफर्म करने के बाद आपको मिलता है। और साथ ही में आपको कोई एक वैलिडेट डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड या वोटर कार्ड, कोई भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट आपको साथ में उसी सेंटर में ले जाना पड़ता है बुकिंग के टाइम पे आपने जिस वाले सेंटर को सिलेक्ट किया था। और आपको एक बात बता दूं कि आपका ये फ्री नहीं होता है, इसके लिए आपको ₹50 पेमेंट करना पड़ता है। सो फ्रेंड ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर वीडियो की जानकारी आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर देना, और इससे रिलेटेड आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कॉमेंट में पूछ सकते हो। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।